एनसीपी के विधायक अजीत पवार के साथ हैं और संगठन पर शरद पवार का कब्जा है। संघर्ष संगठन और विधायकों के बीच है। शरद पवार जानते हैं कि भले ही विधायक उनके कब्जे में हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट के दौरान ज्यादातर विधायक अजीत पवार के पक्ष में वोट करेंगे। अजीत पवार को हर तरह से मनाने के लिए शरद पवार जुटे हैं। शरद पवार को अपने वादे की पड़ी है और अजीत पवार को करियर की। मुंबई से निकलकर शरद पवार सतार पहुंच गए और वहां से एक खुलासा भी किया कि वे शिवसेना के साथ सीएम का पद ढाई ढाई साल के लिए बांटना चाहते थे, लेकिन बीच में सोनिया गांधी ने बाजी मार दी और डील फाइनल नहीं हुई। जयंत पाटिल के बाद छगन भुजबल अजीत को मनाने गए। अजीत पवार ने साफ तौर पर इन दोनों नेताओं से कहा कि अगर एनसीपी में दो फाड़ नहीं चाहते तो मेरा समर्थन करें। ये संदेश शरद पवार के लिए था, साफ और स्पष्ट। सुप्रिया सुले भावुक किस्म के ट्वीट कर रही हैं। सुप्रिया सुले लिखती हैं कि सत्ता आती है जाती है, लेकिन परिवार नहीं टूटना चाहिए। एनसीपी के नेता इसी लाइन पर काम कर रहे हैं, सत्ता आए या जाए, लेकिन पवार परिवार की एकजुटता बनी रहे। अजीत पवार भी यही चाहते हैं, शरद पवार भी और सुप्रिया सुले भी। और जब ये सब ये चाहते हैं तो फिर पूरी पार्टी भी यही चाहती है। एक ठाकरे परिवार है जहां सत्ता के लिए रिश्ते ताक पर रख दिए जाते हैं, और दूसरा पवार परिवार है जहां सत्ता से ज्यादा जरूरी परिवार की एकता है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे इन बातों पर गौर फरमा रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।